हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं जब यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ तो मुझे कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे आते थे। तो मैंने जब जो व्हाट्सएप पे कमेंट करते थे, मुझसे सलाह लेते थे, उनसे मैंने पूछा कि आप व्हाट्सएप पे कमेंट मत करो, आप मुझे यूट्यूब पे उसी पे जो मैसेज करते हैं उस कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए। तो एक लेडी थी मेरी पहचान की, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि जो लोग मुझे जानते होंगे फिर उनको मेरी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा मुझसे पूछती थी कि मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो गया है, मेरे चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हैं और मैं बहुत सांवली लगती हूँ, और मुझे कुछ लोग ऐसा कमेंट पास करते, कुछ लोग वैसा कमेंट पास करते हैं, तो मैं क्या करूँ। मैंने उनको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, आप ये कीजिए, पर्सनली भी मैंने व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी रेमेडीज शेयर की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी अकेली की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत से ऐसे लोगों की है, बहुत सी ऐसी लेडीज़ों की है जो ऐसा समझती है कि हम सुंदर नहीं है, हमारा कलर फेयर नहीं है, या हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, या चेहरे पे काले धब्बे हैं, या बहुत सारे इन्फ्यूरिटिव कॉम्प्लेक्स को लेके वो चलती है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं होम रेमेडीज़ बहुत सारी, मैं अपने पार्लर में ट्रीटमेंट भी देती हूँ, मैं होम रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ, लेकिन एक इनर ब्यूटी हमारी होती है। जब तक हम अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, जब तक हम खुद खुश नहीं है, जब तक हमें ये नहीं लगता है कि हम सुंदर है या हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तब तक आप कितनी भी रेमेडीज़ यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपके चेहरे का ग्लो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका चेहरा बताता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हमसे कोई भी प्यार नहीं करेगा। एक सिंपल सी बात है, जब हम अपनी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो हमारे आसपास रहने वालों को भी समझ में आता है कि हाँ, ये इस चीज़ की बहुत केयर करती है तो हमें भी इस चीज़ की केयर करना है, वो भी उस चीज़ की केयर करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अगर आपने अपनी किसी चीज़ को ऐसे ही फेंक दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपके आसपास के लोग भी उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे कहना है कि अपनी वैल्यू करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समझें। कोई कौन होता है हमें ये कहने वाला कि तुम सुंदर नहीं हो, या तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है, और हम क्यों किसी की बात सुने, हम क्यों किसी से पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं ख़राब लग रही हूँ, और क्यों किसी की, आपके चेहरे में या आपके अंदर जो भी कमियां हैं आप उसको दूर करने का प्रयास करें, ना कि उसको बढ़ाने का। उसको मन में बिठा के उसके बारे में सोचते रहने से नेगेटिविटी क्रिएट होती है और उसकी वजह से आपकी वो प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपका मन खराब है। आप अंदर से अगर गलत सोच रहे हैं तो कभी भी आप बाहर से ग्लो कभी भी नहीं कर सकते। और अपने मन से ये चीज़ बिल्कुल हटा दीजिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हैं। आप अपनी लाइफ में, इवन जो घर में लेडीज रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम तो कुछ काम करते ही नहीं हैं, हमारी तो कोई इनकम नहीं है। आपकी कोई इनकम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर घर में भी रहते हैं तो आपके बच्चे सेफ है, आपके घर में आने वाले मेहमान को संडे देख के नहीं आना पड़ता है, वो कभी भी आपके घर आपसे मिलने आ सकते हैं। आपके हस्बैंड आराम से बाहर घूम सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, इवन वो आउटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप घर में हैं। आपके घर के लोगों को टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है, गरम खाना मिल जाता है, क्योंकि आप घर में हैं। आपके बच्चे को आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ले जा सकती है, ला सकती है, छोड़ सकती है, उसके प्रोग्रेस में आप सहायक बन रही है। क्यों? क्योंकि आप घर में हैं। तो आपसे ज़्यादा सक्सेस कोई नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए, और अगर फेस में कोई प्रॉब्लम भी है आपके, तो आप एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत अच्छा थॉट क्रिएट कीजिए कि मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। जिस तरह से हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारी बॉडी का कचरा बाहर निकलता है, हम फ्रेश होने जाते हैं वो भी हमारी बॉडी का कचरा है। उस वक्त आप एक थॉट क्रिएट कीजिए कि जिस तरह से मेरी बॉडी में से कचरा निकल रहा है, उसी तरह से मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है, वो बैक पेन हो सकता है,
सकता है, या फिर कोई किसी तरह की कोई पुरानी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके चेहरे की कोई कम किसी भी चीज़ को, उसको एक थॉट क्रिएट कीजिए कि धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है, या मेरे अंदर वो वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, अब इस प्रॉब्लम से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। और रोज़ अपने आप को कहिए कि आई एम अ यूनिक पर्सनालिटी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जैसा कोई भी नहीं है। जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते ना, इस तरह से हमारे जैसा दूसरा इंसान भी नहीं हो सकता। भगवान ने सबको अलग बनाया है, इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपनी कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए, और बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे, नहीं तो आप दूसरों को भी केयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार थॉट के साथ में एक होम रेमेडी तो बनती है, तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ एक होम रेमेडी। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी घर में चीज़ है, जैसे कि टमाटर है, मान लो टमाटर काटा आपने, या आलू काटा, या ककड़ी काटी, या कोई फ्रूट है आपके घर में, जो भी चीज़ है उसमें एक चुटकी हल्दी आपको मिलानी है, और हल्दी मिला के उसको चेहरे पर रगड़ लीजिए। दिन में एक बार ही आपको काम करना है। अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो हमारे घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है, तो आप तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए, उसमें चुटकी हल्दी मिला दीजिए, और उसको अपने चेहरे पे लगा के 15 से 20 मिनट आपको रखना है। और फिर चेहरा आपको साबुन से या फेस वॉश से वॉश नहीं करना है, आप बेसन कुछ भी नहीं, सिंपल बेसन से आप चेहरे को वॉश कर लीजिए, या फिर नींबू भी आप आपके फेस पे रगड़ सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी होम रेमेडी के साथ में और इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। रीना व्यास, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये वुमन पावर है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई हैव अ यूनिक पर्सनैलिटी, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सुंदर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, और मैं सक्सेस हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।